हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी पांडा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फ्लोटिंग प्लेयर के बारे में। फ्लोटिंग प्लेयर होता क्या है, उसका यूज क्यों करते हैं, तो फ्लोटिंग प्लेयर को किस तरीके से हम अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा। तो राइट में मैं आपको दिखा रहा हूँ क्रोम ब्राउजर पे, क्रोम ब्राउजर पे हम फ्लोटिंग प्लेयर यूज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगा इस थ्री डॉट्स पे, मैं इस थ्री डॉट पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं मोर टूल पे क्लिक करूंगा। मोर टूल पे क्लिक करने के बाद मैं एक्सटेंशन पे आऊंगा। जैसे ही आप एक्सटेंशन पे आते हो, आपको क्रोम के वेब स्टोर पे जाना पड़ेगा। तो ये है क्रोम का वेब स्टोर, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। हम यहाँ सर्च करेंगे फ्लोटिंग प्लेयर। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों, हमने फ्लोटिंग प्लेयर सर्च कर रखा है। फ्लोटिंग प्लेयर सर्च करने के बाद हमारे पास कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। तो सर्च करने के बाद हमारे पास ये सारे ऑप्शन आ गए हैं। कोई भी फ्लोटिंग प्लेयर आप यूज करोगे, वर्क सबका सेम ही है ऑलमोस्ट। तो मैं अभी आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ फ्लोटिंग प्लेयर बाय गैब्रियल। मैंने इसे ऐड टू क्रोम किया, हमें एक नोटिफिकेशन आई ऐड एक्सटेंशन करने का। हम ऐड एक्सटेंशन ऐड कर रहे हैं, बस आप उस पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद होगा क्या कि इसकी एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड हो रही है। डाउनलोड होने के बाद ये क्रोम पे ऐड होगी। अब आप देख सकते हो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ गई है कि फ्लोटिंग प्लेयर हैज बीन एडेड टू क्रोम, यूज दिस एक्सटेंशन बाय क्लिकिंग ऑन दिस आइकन। ओके, तो नॉर्मली इंस्ट्रक्शन ये मिला है हमें कि जब भी हम फ्लोटिंग प्लेयर का यूज करना चाहेंगे तो हमें इस आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा। लाइक अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हो, जब मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ, मैंने ओपन किया यूट्यूब। तो YouTube में मैं एक वीडियो प्ले करना चाह रहा हूँ। लेट सपोज मैंने ये वीडियो प्ले किया गूगल लेंस के बारे में, जो मैंने वीडियो बना रखी है, मैंने उसे प्ले किया। जैसे ही ये वीडियो प्ले हो गई, ये वीडियो देखो आप प्ले हो रही है। ये वीडियो प्ले होने के टाइम पे मैंने यहाँ पे फ्लोटिंग प्लेयर के बटन पे क्लिक कर दिया। अब आप ये देख सकते हो ये वीडियो जो है साइड में चल रही है, साइड में ये वीडियो चलते रहेगी। मैंने किसी टैब ओपन कर दी। तो दोस्तों मैंने एक वीडियो प्ले किया है, तो ये है वो वीडियो जो मैंने प्ले किया है। तो ये वीडियो मैंने फिलहाल तो कर दिया है म्यूट, और मैं इसे करता हूँ प्ले। तो ये वीडियो जो है ये साइड में प्ले हो रही है। आप इसकी क्वालिटी यहाँ इसकी ओरिजिनल साइड से मैनेज कर सकते हो कि आप इसे किस क्वालिटी में प्ले करवाना चाहते हो। तो मैंने इसे 360p में प्ले किया है। प्ले करने के बाद अगर मैं कोई दूसरे टैब पे आके अपना कुछ काम करूं तो कोई मैटर नहीं कर रहा है। वो वीडियो जो प्ले में थी वो प्ले में अभी है, वो प्ले हो रही है। आई थिंक ये फंस रही है ड्यू टू नेटवर्क कनेक्शन, बट ये वीडियो चलेगी। हाँ, ये वीडियो प्ले हो रही है। मैं कुछ दूसरा काम कर रहा हूँ, बट ये वीडियो चल रही है। और इससे फैसिलिटी ये मिलती है कि मैं कुछ भी काम करूं, मैं कुछ भी ओपन करूं, तो मुझे साइड में ये वीडियो अगर देखने की मुझे आदत है, मैं लेट सपोज ये वीडियो साइड में है, चल रही है, मैंने खोल दिया माइक्रोसॉफ्ट एज, मैं एज ब्राउजर पे काम कर रहा हूं, या मैंने कुछ पीडीएफ डॉक्यूमेंट खोल दिया। आप किसी तरीके की भी काम करो, अगर साइड में वो वीडियो चल रही है तो आप उस वीडियो को यूज कर सकते हो। तो मैंने इस वीडियो को साइड में रख दिया या किसी कॉर्नर में कर दिया, ये वीडियो चलती रहेगी और मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ इस साइड में, ये वीडियो ऑटोमेटिक रन करती रहेगी। तो दोस्तों ये था फ्लोटिंग प्लेयर का यूज, कि ये वीडियो जो है आप अपने हिसाब से कहीं भी किसी भी कॉर्नर पे, मैक्सिमम साइज जो है इस वीडियो की इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़े से ज्यादा ये नहीं होगी, बिकॉज ये फ्लोटिंग प्लेयर है, ये फ्लोट करती रहेगी, दूसरे विंडो के ऊपर जो है ये फ्लोट करते रहेगी। इससे आसानी ये होती है कि आप कुछ भी काम करते रहो। लाइक सपोज मैंने खोल दिया AICTE की वेबसाइट, स्पेलिंग मिस्टेक था, ओके। लाइकवाइज मैंने कुछ दूसरा वेबसाइट खोल दिया, मैं वहां वेबसाइट देख रहा हूँ या सर्च कर रहा हूँ, ब्राउज कर रहा हूँ, साइड में वीडियो देख रहा हूँ, सर्च भी हो रही है, वीडियो भी देख रही है, मल्टीपल टास्क आप कर सकते हो। अगर ये फ्लोटिंग प्लेयर का यूज करो तो आप मल्टीपल टास्क कर सकते हो। ये नहीं कि आपकी वीडियो कोई दूसरे टैब में चल रही है, आप वीडियो देख नहीं पा रहे हो, आपने
स्प्लिट स्क्रीन का यूज करना स्टार्ट कर दिया। स्प्लिट स्क्रीन इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर ऑल द टाइम, आप स्प्लिट स्क्रीन का भी यूज कर सकते हो, लेकिन स्प्लिट स्क्रीन से बेटर ये मुझको लगा, इसमें फैसिलिटी ये है कि आप इससे स्पेस जो है मैनेज कर सकते हो, कौन सी स्पेस स्पेस में रखनी है, इसे कौन से कॉर्नर पे रखना है, इसे आप वो मैनेज कर सकते हो। आपकी लैपटॉप की स्क्रीन जितनी भी छोटी हो बड़ी हो, ये आपको मैनेजेबल है, ये आपकी मैनेजेबल है कि आप इसे कहीं भी रख सकते हो, प्लेस कर सकते हो। और प्लेस करने के साथ जो है आपकी, आप जुड़े रहोगे कंप्यूटर के स्क्रीन से, जुड़े रहोगे, आप मल्टीपल टास्क करते रहोगे। ओके, तो ये था दोस्तों फ्लोटिंग प्लेयर के बारे में मेरी छोटी सी ट्यूटोरियल। अगर आपको हमारी ट्यूटोरियल अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो बंद हो गई है क्योंकि वीडियो बंद हो गई थी क्योंकि वो वीडियो खत्म हो गई थी, 2 मिनट 19 सेकंड का वीडियो था, नया वीडियो स्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिकली वो वीडियो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ओके, इसे बंद कैसे करना है, इसे बंद करने के लिए इस क्रॉस पे क्लिक करें, वापस इस स्क्रीन पे आप आ जाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।